हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग हेल्दी रेसिपी, एप्रिकॉट डेट्स रोल की रेसिपी। आपने डेट्स के रोल खाए होंगे, बट आज मैं आपको एप्रिकॉट डेट रोल की रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही हेल्दी रहती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 1/3 कप ना एप्रिकॉट लिए थे, इस तरीके के ऑर्गेनिक, ये ड्राई में है और खुमानी भी बोलते हैं इसको। और मैंने इसको 4 घंटे के लिए इसको आराम से इसको पानी में सोक कर लिया था। सोक करने के बाद इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको सोक नहीं करने हैं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको पीस सकते हैं या कट कर सकते हैं, पर मैंने इसको सोक कर लिया जिससे कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और बाकी आपका मर्जी है, जिस तरीके से डेट हमें डायरेक्ट यूज़ कर लें उसी तरीके से आप इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सारे सीजर से कट कर लिया। उसी तरीके से मैंने सीडलेस डेट्स लिए हैं और कुछ इस तरीके से मैं इसको भी कट कर लूँगी। और बाद में मुझे फाइनली पीसना ही है दोनों को, तो कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है जिससे मैं आसानी से पीस पाऊँ। तो बस ये दोनों मैंने पीस कट कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के ड्राई फ्रूट डालने हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड पॉपी सीड लिए हैं, जिसको खसखस भी बोलते हैं, पोसत भी बोलते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने जितनी मेवाएँ डाली हैं, मैंने काजू, अखरोट और बादाम भी लिए हैं, और इस तरीके से मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हल्के से क्रिस्पी आने के लिए, क्रंचीनेस आएगी बाद में हमारी इसमें। उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद अब यहाँ मैंने मींगे ले ली हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिए हैं, वाटरमेलन के सीड लिए हैं। इसको पॉपअप होने तक अच्छे से भून लेंगे। बाकी ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है जितना आपको यूज़ करना है। और उसी पैन में फिर से मैंने देसी घी लिया है, और देसी घी डालने के बाद जो हमने अब कट किए थे अपने एप्रिकॉट, मैं उसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद ठंडा करके मैं इसको पीस लूँगी ब्लेंडर में। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना है जिसमें कि इसमें कच्चापन ना रहे। बाकी आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको मैशर से, क्योंकि गर्म हो चुके हैं तो सॉफ्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से मैश कर लूँगी। और यहाँ मैं मींगे इसी में मिला दूँगी अच्छे से, जितनी भी हैं ड्राई फ्रूट थोड़े से इसमें मिला देंगे, जिससे दोनों में ही जो हमारे डो तैयार होंगे डेट्स का और एप्रिकॉट का, उसमें अच्छे से सब में फ्लेवर आ जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें जो एप्रिकॉट का रोल है ना वो डेट्स के रोल के अंदर हमें प्लेस करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से उसी पैन में मैंने क्या कर लेना है, जो डेट्स लिए थे उसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और इस तरीके से दबा दबा के मैं इसको भी भून लूँगी जिससे इसमें भी कच्चापन निकल जाए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है ना, आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी एप्रिकॉट का जो कॉम्बिनेशन है डेट्स के साथ। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से सारे डेट्स के मेरे रोल में भी सारा नट्स जितने भी रिमेनिंग थे मैं सारे मिक्स कर दूँगी, और कुछ इस तरीके से इसको भी भून के ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये ठंडा हो गया था, और मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर लिया था। थोड़ा सा स्टिकी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर चाहें तो फ्रिज में रख के थोड़ा सा हार्ड भी कर सकते हैं, और इसका एक रोल सा बना लीजिए इस तरीके से प्रेस करते हुए। और जो हमारा डेट्स का था उसको हम रोटी की तरह अच्छे से रोल कर लेंगे, क्योंकि हमें डेट्स के रोल के अंदर उसको प्लेस करना है। तो उसको इतने मैंने फ्रिज में रख दिया है, और जैसे कि थोड़ा सा वो हार्ड हो जाए, और कुछ इस तरीके से मैं इसको रोलिंग पैन से अच्छे से रोल कर लूँगी जैसे कि अच्छे से रोटी टाइप का बन जाए, और इसके मैं अंदर जो एप्रिकॉट का रोल है वो प्लेस कर दूँगी। तो देखिए नीचे पहले उसमें चिपक रहा था ना शॉपिंग बोर्ड पे, तो मैंने सर फॉइल पेपर रख लिया जिससे मैं आसानी से कर पाऊँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको साइड से सब तरफ से मैंने थोड़ा पतला होने तक बेल लिया है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट का बनता है, बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाया है, शुगर भी नहीं मिलाया है, ज़्यादा घी भी नहीं मिलाया है। बहुत ही हेल्दी वे में ये रहता है। सभी भी स्वीट की क्रेविंग हो तो आप इसको आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच मील में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहता है। तो देखिए जितने भी हमने डेट्स का अपना करा था, तो मैंने उसको रोल की जगह फ्लैट कर दिया है जैसे कि अच्छे से मेरा ये मिक्स हो जाए। मैं इसको स्ट्रेल टाइप में बना लूँगी, और इस तरीके से ज़्यादा आसान रहेगा। और देखिए बस इसको रोल करने के बाद हमने क्या करना है, इसको लगातार प्रेस करते रहना है थोड़ा सा और, जैसे कि फ्लैट हो जाए। तो इस तरीके से मैं रोल कर दूँगी, और इसमें आप पॉपी सीड लगा देंगे, जो हमने ये पॉपी सीड इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट किए थे, खसखस या पोसत जो कहते हैं। तो बस इसको कवर अप कर देंगे जैसे कि बाद में जब ये कट जाएंगे ना, इसके पीस बहुत ही अमेजिंग लगते हैं।
तो बस अब इसको हमें आधा एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, या आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, फास्ट हो जाएगा। और फ्रिज में रखने के बाद इस तरीके से हम इसके पीस कट कर लेंगे, जैसा आपको मन हो चौड़ाई के हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टी बनी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अंदर येलो एप्रिकॉट का है कलर और बाहर ब्राउन डेट्स का कलर है। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इजी सी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ रेसिपी वॉच करते करते इसको लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिल्कुल ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा सेम नेम से, अल्टीमेट टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पहले डेट्स की और रोल की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वो भी लगती है। और बाकी एप्रिकॉट के साथ मिलके इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।